नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5th और 6th को कवर करेंगे। और इसमें चैप्टर नंबर 5th है जन संघर्ष और आंदोलन और चैप्टर नंबर 6 है राजनीतिक दल। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, जन संघर्ष और आंदोलन। लोकतंत्र में जन संघर्ष और आंदोलन का भी अपना एक बहुत महत्व है। कहीं पर देख लीजिए, जब समस्याएं, हालांकि लोकतंत्र में जितनी भी समस्याएं हैं वो संसद के द्वारा ही निपटाई जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है संसद किन्हीं समस्याओं को निपटाने में शायद सक्षम नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा होता है। एग्जाम्पल इसमें हम दो ले लेंगे। और उस समय जन संघर्ष और आंदोलन का जनता को सहारा लेना पड़ता है, भाई जनता ही लकी है। और जब वहां से कोई सलूशन नहीं निकलता तो जनता फिर रोड पे उतर आती है। एग्जाम्पल लेते हैं नेपाल का, हालांकि पहले भी एग्जाम्पल आ चुका है। नेपाल में जब राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की हत्या हुई थी सन 2000 के आसपास, उस लोकतंत्र तो वहां पर 1990 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे चल रहा था। फिर उसके बाद पूरे उसको सत्ता को ज्ञानेंद्र ने हाईजेक कर लिया, राजा उनके छोटे भाई ने हाईजेक कर लिया। अब वो राजा बन बैठे, अपना काम चलाने लगे, एक कठपुतली सरकार बैठा दिया उन्होंने कहने के नाम पे लोकतंत्र, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं। फिर 7 पार्टी अलायंस वहां पे हुआ तो वो जनता, पूरी की पूरी जनता काठमांडू में पहुंच गई। जब सबको सस्पेंड कर दिया, सब पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लिया और कहने के नाम पे मात्र लोकतंत्र था, तो जनता को ये नागवार लगा। पूरी जनता उस काठमांडू की सड़कों पे उतर आई और एक विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दी। तो अंततोगत्वा राजा ज्ञानेंद्र को वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ा गिरिजा प्रसाद कोईराला को। 7 पार्टी अलायंस फिर आई और सत्ता, लोकतंत्र की स्थापना एक अच्छे तरीके से हुई। ये वहां पर एक जन संघर्ष और आंदोलन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है नेपाल में। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया का। बोलीविया में भी लोकतंत्र था। वहां पर सन 2000 के आसपास में वाटर स्ट्रगल हुआ, यानी जल के लिए संघर्ष। क्या हुआ कि बोलिविया की सरकार ने एक एमएनसी को, यानी मल्टीनेशनल कंपनी को, वहां पे पानी वसूलने का अधिकार दे दिया। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी वहां पर नगर पालिका, पहले तो नगर पालिका वसूलती थी, नगर पालिका से हटकर एमएनसी के पास आ गया। तो वो एमएनसी ने उसका ऐसा दाम लगा दिया कि बहुत ज्यादा हो गया, 1000 रुपये में पर मंथ बिलाने लगे लोगों के पानी का। अब किसी व्यक्ति की इनकम यदि 5000 है वहां पर, तो 1000 वो पानी के लिए दे रहा है, तो बाकी 4000 में कैसे फैमिली चलाएगा। ये सिर्फ एक सेक्टर था उसकी लाइफ का। तो इसके लिए भी लोगों ने पहले तो कहा सरकार से, लेकिन सरकार नहीं मानी। एक लार्ज स्केल पर मूवमेंट्स हुए उसके पश्चात क्या होता है कि सरकार को बाध्य होकर झुकना पड़ा। और फिर वो एमएनसी से वो सौदा उन्होंने रद्द किया और फिर अपने नगर पालिका वो पानी का टैक्स वसूलने लगी, पुरानी स्थिति यानी बहाल हुई। तो ये दो एग्जाम्पल जो हमने लिए जनसंघर्ष और आंदोलन के, ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जब सरकार अपने प्रयत्नों से कुछ जनता के लिए नहीं कर पाती तो जनता को खुद सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी बात मनवाने के लिए। और एक बहुत ज्वलंत मैं एग्जाम्पल दूं, अभी आगे उसकी दशा दिशा क्या होगी मुझे नहीं मालूम। इससे भी एक बड़ा एग्जाम्पल आप देखते, वर्तमान में भारत में किसान आंदोलन हो रहा है, किसानों की अपनी मांग है, सरकार ने किसान बिल पेश कर दिया, सरकार ने कहा कि बिल वापस नहीं होगा। किसान सिंधु बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के साइड में डटे हुए हैं,
सच्चाई क्या है अभी नहीं मालूम। क्या किसान जो मांग कर रहे हैं वो 100% जेन्यून है, या सरकार ने जो बात की क्या वो 100% जेन्यून है, क्लियर नहीं है जब तक कि पूरे सारे के मामले सामने नहीं आते। अगर किसान आंदोलन वास्तव में पूरा जेन्यून है तो पूरे देश में क्यों ग्लोबल नहीं हो पा रहा है, और अगर सरकार सही है तो किसान हट क्यों नहीं रहे हैं, आगे पता चल जाएगा कि आप। लेकिन ये भी एक इस समय लोकतंत्र में जन आंदोलन का एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है कि किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए एक आंदोलन कर रहे, और सरकार यहां पर कुछ भी उनके साथ नहीं कर सकती, जो कि उनको लाठीचार्ज या वाटर कैन इस तरीके का कुछ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वही जनता, उन्हीं से देश चलता है। अब वो जो भी मांग रहे हैं सरकार को उसको शिद्दत के साथ विचार करना ही होगा, ये बात सत्य है। अगर आप विचार नहीं करते तो यानी आप लोकतांत्रिक नहीं है, आप अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, मानते हैं कि आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, देशी आर्थिक की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन आपको उनको सुनना ही होगा। ये आपके 2-3 एग्जाम्पल आपके हैं जनसंघर्ष और आंदोलन के चैप्टर में, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, राजनीतिक दल। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, पहले तो आप ये जान लें सिंगल पार्टी, डबल पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम अमूमन ये लोकतंत्र में चलता रहता है। सिंगल पार्टी सिस्टम आप कम्युनिस्ट यहां पे देख लें, चाइना में देख लें, यहां पे सिंगल पार्टी की सरकार है। इंग्लैंड में देख लें डबल पार्टी सरकार, लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में देख लें डबल पार्टी है, लेबर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इंडिया में अगर आप देखते हैं यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब यहां पर भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग मान्यता देता है। पहले आप इस राज्य विधान एक प्रांतीय दल के रूप में मान्यता देता है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है, उसका एक मापदंड है, उस मापदंड को जो फुलफिल करता है उसको प्रांतीय दल या राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है, पूरा डाटा उनके पास है। अब राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या है, लोकतंत्र को चलाने के लिए सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, उसी आधार पर इलेक्शन होते हैं। ये सब राजनीतिक दल की आवश्यकता, तभी उस पार्टी की सरकार बनेगी। ये उस पार्टी की आवश्यकता है, लोकतंत्र के लिए भी आवश्यकता है, पूरी जनता मिलकर सरकार तो बनाने जाएगी नहीं, जनता कुछ नुमाइंदों को चुनेगी और वो नुमाइंदे राजनीतिक दल से हुआ करेंगे। ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में है ये भी आपस में सर्वाइव कर, देश में सर्वाइव कर रहा है।